आज बड़ा ही गंभीर मुद्दा है माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा कटान चंदौली में एकदम बिल्कुल लोग तबाही के करार पर हैं। यह गांव है बूढ़ेपुर और यह है नवघरा। एक कभी गंगा जी से 3 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी, लेकिन आज एक गांव के नजदीक आ गई है। यहाँ के किसान आज बिल्कुल, बहुत से किसान किसानी मजदूरी में आ गए हैं, उनके पास अब खेत भी नहीं बचा है। याद होगा आपको, मैं जब गंगा कटान के लिए राजनीति जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरा पहला गंगा कटान पद यात्रा हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के आईटी सील के लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, इसलिए कि मैं चहनिया में पद यात्रा रखा हूं रोड के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी गंगा कटान का क्या हुआ। इसलिए मैंने कहा कि दूसरों की पोल खोलने से पहले अपनी भी पोल खोलना जरूरी है। इसलिए मैं गंगा के किनारे, ये बारिश हो रही है, मैंने कहा आज पोल खोल अभियान का 8वां दिन है, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपनी भी पोल खोलने के लिए आने का काम किया हूं। मुझे कमियां रही, मैं विधानसभा में कई बार सवाल उठाया और उठाने का नतीजा हुआ कि मैं यह सवाल उठाता था कि गंगा कटान रुकनी चाहिए। गंगा कटान चंदौली में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है, और बंगाल तक गंगा जी मां चली गई है। मेरा कुछ हुआ नहीं, मेरे से एक गलती हुई कि मैं ये नहीं कहा कि गंगा कटान चंदौली की रुकनी चाहिए, गंगा कटान थानापुर की रुकनी चाहिए, गंगा कटान जो आज शुरू किया था मैं दिया पसहटा बूढ़ेपुर नवघरा और नरौली की रुकनी चाहिए, यह मैं नहीं कहा। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, पूरे दर्शकों से पूछना चाहता हूं, अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, चंदौली के लोगों से खास करके पूछना चाहता हूं कि क्या गंगा कटान की जिम्मेवारी सिर्फ मनोज की ही थी, इसलिए क्या पदयात्रा किया था। मैं 5 साल विधायक रहा, 1 टर्म विधायक रहा, नया नया नौसिखुआ विधायक रहा, लेकिन 2 टर्म के माननीय सांसद जी और 2 बार से लगातार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी, क्या आप लोग झाड़ बजाने के लिए विधायक की सांसदी करते हैं क्या? यह गंगा कटान को रुकवाने का आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? इसलिए मैं आ जाया हूं कि इस दायित्व को पूरा करने का काम जनता अगर मुझे देगी तो मैं इसको पूरा करवाने का काम करूंगा। इसीलिए साथी, यह जरूरी थी कि मैं आया हूं अब आपको।